जिससे क्षेत्र के ब्राह्मण समाज ने उक्त पोस्ट पर आपत्ति दर्ज कराते हुए 24 मई बुधवार को बिजूरी थाना में सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपकर उक्त पोस्टकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की मांग किया था। उक्त ज्ञापन में उल्लेखित है कि तेजभान सिंह परिहार पिता लल्लू सिंह निवासी डोगरी टोला ग्राम पंचायत थानगांव जिला अनूपपुर के द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक पर पंडितों के द्वारा 30 साल से भ्रष्टाचार किए गए। पंडित हो खंडित, जिस दिन छापना शुरू करूंगा उतर जाएगा जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर ब्राह्मणों के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाया गया है, जिससे आहत होकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने थाना प्रभारी बिजूरी से तेजवान सिंह के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। कार्रवाई नहीं होने पर होगा आंदोलन। वहीं ज्ञापन में ये उल्लेखनीय किया गया है कि उक्त अपमानजनक पोस्टकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई, अगर तो समूचा ब्राह्मण समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। हटो क्या, पीछे आके करोगे थोड़ा? मामला हुआ, आप लोगों ने आज बिजूरी थाने में ज्ञापन दिया है। निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे हम देख रहे हैं ब्राह्मणों को आपत्तिजनक टिप्पणी का एक दौर सा चलता आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक आईडी से इसी तरह ब्राह्मणों को खंडित पाखंडित करने की कुछ ऐसी असभ्य बातों का प्रयोग किया गया था। अभी बिजूरी में तत्काल जो मामला है वो तेजभान सिंह एक फर्जी आईडी है। अब इसके पीछे कौन उस आईडी को चला रहा है ये कानून के देखना है कि कौन चला रहा है, क्या कर रहा है। ब्राह्मणों को खंडित करने, ब्राह्मणों को चोर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिससे हमारी भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचा और हम एक आवेदन लेकर थाना प्रभारी को दिए हैं कि निरंतरता इस आईडी पर शीघ्र कार्रवाई की जाए और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे जाकर उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे।